मजदूर तबका जो जो लोग सुबह निकलते शाम को जाते हैं ना, तो वो उनको पता होता है कि वो कैसे सुबह से निकलते और किस तरह किस माहौल में घर जाते हैं, तो अल्लाह जानते हैं बहुत मुश्किल होते हैं गरीब। ये तो हुकूमत की नाअहली है, जो आए वो वज़ीर ख़ज़ाना चेंज कर देते हैं। रमज़ान पे ख़ास तौर ख्याल करना चाहिए सरकार को, दूसरा अवाम खुद याद करे तो हमारे लिए सबसे बेस्ट बात। हमारे काम पे तो नुकसान बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, क्यों हमारे घर ही रेंट पे है, ठीक है, ऊपर से गैस बिल बिजली का बिल और मतलब खर्चे बहुत। दुकानदारों का मुआशी इस्तेहसाल है, जो दिन इनके काम करने के इस तरह का इस सिस्टम में जो है ना, हमारा अपना खर्च अखराजात जो है ना वो नहीं पूरा हो रहे हैं, उनमें ये आवाम को लॉकडाउन में डाल के ताजर का माशी इस्तेमाल कर देंगे। सलाम सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सर? ठीक ठाक, आप सुनाओ। अच्छा, सर ये दोबारा लॉकडाउन लग रहा है, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? आपके काम पे क्या नुकसान पड़ रहा है? सर हमारे काम पे तो नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम किरायेदार लोग है, क्यों हमारे घर ही रेंट पे है, ठीक है, ऊपर से गैस बिल बिजली का बिल और मतलब खर्चे बहुत ज्यादा है इस तरह का इस सिस्टम में जो है ना, हमारा अपना खर्च अखराजात जो है ना वो नहीं पूरा होता है, ठीक है। जो किचन का सरकार चढ़ता था ना, वो इस टाइम बहुत जो है ना मुश्किल हो गया ना, हमसे टाइम से किराया दिया जाता है ना, हम टाइम पर बिल उतार सकते, ठीक है, जिस तरह का मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम तो अपील करते हैं कि चलो लॉकडाउन मुकम्मल तो नहीं होना चाहिए, बरल जो है ना ये जो टाइम है ना, ये 6 बजे का लॉकडाउन मुकम्मल होता है ना, ये थोड़ा सा कम करना चाहिए, 9 बजे तक 8 बजे तक जो होते हैं ना, गर्मी का मौसम है, इस टाइम माहौल नहीं होते बाज़ारों में, ये 2-3 घंटे काम का होते हैं, वो लोग आ जाते हैं भाई बंद करो बंद करो, 6 बजे हमारे पास कोई 1-2 कस्टमर आ जाते हैं तो लोग कहते हैं बंद करो बंद। तो सर आगे ईद भी आ रही है, रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के करीब इन्होंने दोबारा लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया है, तो आप ये क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान में तो आपकी मतलब के सेल ज़्यादा होती है, यही तो आपका सीज़न होता है। बिल्कुल, ये सिर्फ हमारा नहीं, ये जितने भी मजदूर मसलन रेड़ी बिल जो लगाते हैं ना, उनका भी ये सीज़न होता है, और पूरा साल तो इस तरफ गया, आप सबको पता है जिस तरह सिस्टम चला, ठीक है। तो हम मज़ीद ये गुजारिश करते हैं कि ये लॉकडाउन से गुरेज करना चाहिए, बिल्कुल मजदूर तबका जो लोग सुबह निकलते हैं और शाम को जाते हैं ना, तो वो उनको पता होता है कि वो कैसे सुबह घर से निकलते हैं और किस तरह किस माहौल में घर जाते हैं, तो वो अल्लाह जानते हैं बहुत मुश्किल होते हैं गरीब। हम तो चलो कोई 1000-2000 वटा के जाते हैं, चलो नपा नुकसान है, वो तो होते, चलो कोई 1-2 कस्टमर आते हैं, जो मसलन बाहर का लोग होते हैं ना, मसलन बहुत मुश्किल होते हैं भाई जान, सिस्टम बहुत मुश्किल हो गया, ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट को आपके गवर्नमेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट तो हम पठानों की है, खान साहब के सपोर्टर है शुरू से, और कोरोना ने कुछ माहौल जो है ना ख़राब ज़्यादा इसलिए किया कि कुछ ऊपर से सरकार जो शुरू से दिन में जो मसले मसाइल का सामना था, ठीक है, ऊपर से कोरोना आ गया तो ज़्यादा मुश्किल बढ़ भाई। हुकूमत को चाहिए कि इन्हें सपोर्ट करनी चाहिए, जो ताजर भाई का माशी इस्तेहसाल हो रहा है, शॉप बंद हो जाती हैं, कोई कस्टमर नहीं होता, उस वजह से हुकूमत को चाहिए कि उन्हें थोड़ी बहुत सपोर्ट करनी चाहिए। रमज़ान आ रहा है, ईद आ रहे और ये फर्स्ट से लॉकडाउन दोबारा स्टार्ट हो रहा है भाई, ये दुकानदारों का मुआशी इस्तेहसाल है, जो दिन इनके काम करने के आ रहे हैं उनमें ये आवाम को लॉकडाउन में डाल के ताजर का मुआशी इस्तेहसाल कर देंगे, जिससे महंगाई और बेरोज़गारी में इजाफा होगा। जी ना, सियासतदान को कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने तो बैठ के सिर्फ खाना है, मुश्किल तो उनके जो दिहाड़ीदार बंदे हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो आपका दुकान आपकी अपनी है? नहीं भाई, रेंट पे है। रेंट पे आप रेंट अफोर्ड कर रहे हैं? नहीं, हर महीने जेब से जा रहा है। ठीक हो गया सर, कस्टमर ही नहीं है, जब रोज़गारी होगी तो कस्टमर होगा, बेरोज़गारी बहुत हो गई है, गुर्बत फैल गई है। इमरान खान साहब को चाहिए लॉकडाउन ख़त्म करें और मुल्क की बेहतरी की तरफ जाए। तो ये लॉकडाउन की वजह से क्या कस्टमर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है कि कम हुई है आमदनी वगैरह आपकी? क्या कम ही हुई है, बड़ी कहाँ से है, पहले काम थी और डाउन हो गई है, बढ़ेगी तो तब ना जब कारोबार बेहतर होगा। क्या आपकी इतनी बड़ी दुकान है, ये आगे ईद भी आ रही है, रमज़ान है, ये आपका मतलब के सीज़न होता है सही के जिसमें आपकी सेल होती है, अभी सेल में आपका मतलब के लॉकडाउन दोबारा लग रहा है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कोई नुकसान होगा कि नहीं इसमें? ज़ाहिर बात है नुकसान तो होना ही, आगे भी सारा नुकसान हो रहा है।